Hello everyone, students. Today we are going to solve the exercise of the chapter 4, that is food and water. फूड एंड वाटर जो हम लोग रीड कर चुके हैं उसकी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं और ये पेज नंबर 141 पे है. ठीक है, सो लेट्स सॉल्व द सेक्शन ए ऑफ द एक्सरसाइज. ओरल क्वेश्चन है, ओरली आपको बोलना है इसको, आप कुछ मतलब कि इसको लिखना नहीं है. हाउ मैनी मील्स डू यू हैव इन अ डे, आप कितने मील्स लेते हैं एक दिन के अंदर, यानी कि आपको मालूम है वी हैव 3 meals इन अ डे, ब्रेकफास्ट लंच डिनर. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3. इसको आप सेंटेंस फॉर्म करके भी ऐसे बोल सकते हैं कि वी हैव 3 meals इन अ डे. वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम, अब हमें कहाँ से पानी मिलता है. सो वी गेट वाटर फ्रॉम रिवर, रेन, पॉन्ड्स एंड वेल्स. तो यहाँ पे आ जाएगा रेन, रिवर्स, फिर उसके बाद है पॉन्ड्स एंड वेल्स. ठीक है, अब चाहे तो बुक में ऐसे साइड में लिख सकते हैं, इसको ऐसे फिल कर सकते हैं जैसे मैंने किया है. नेक्स्ट है क्विज, नेम 2 foods दैट गिव अस एनर्जी, 2 food के नाम बताने हैं जो हमें एनर्जी दे. अब आपको मालूम है कि एनर्जी हमें किन किन चीज़ों से मिलती है, वो हम लोगों ने पढ़ा, राइस, बटर, फिर उसके बाद 2 ही पूछा है तो आप 2 ही लिख सकते हैं, अगर उससे ज़्यादा लिखना है तो आप शुगर भी लिख सकते हैं. Which type of a food should we avoid for dinner? Dinner में हमें किस टाइप का खाना हमें अवॉइड करना चाहिए, यानी कि नहीं खाना चाहिए. तो ऑयली फूड नहीं खाना चाहिए. कैसा फूड नहीं खाना चाहिए? ऑयली फूड. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑयली फूड. सो वी शुड नॉट ईट ऑयली फूड फॉर डिनर. आप ऐसे भी इसका आंसर सेंटेंस में भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट है टिक द करेक्ट आंसर, वी शुड नॉट डैश फूड, कुक खाना तो पकाना ही चाहिए, ईट खाना भी चाहिए, वेस्ट बर्बाद नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट वेस्ट अ फूड. फिर है मिल्क गिव अस एनर्जी, हाँ एनर्जी देता है तो इसलिए एनर्जी के ऊपर टिक मांग लगा दो, फूड तो है नहीं, मिल्क भी वो है नहीं. अब है नेक्स्ट इज सेक्शन बी, मैच द फॉलोइंग, यानी कि जो इसका करेक्ट होगा उसको आपको सामने मैच आउट करना है, मैच करना है. राइस, बटर एंड शुगर, अब राइस, बटर और शुगर हमें क्या देते हैं, ये तो नीड वाटर नहीं आ सकता, गिव एनर्जी. यस, राइस, बटर एंड शुगर हमें एनर्जी देते हैं, ये हम चैप्टर के ड्यूरिंग पढ़ चुके हैं, जब मैंने चैप्टर रीड किया था बताया था आपको. फूड वी हैव एट नाइट इज, जब हम लोग रात को जो खाना खाते हैं उसे क्या बोलते हैं, डिनर. और अगर सुबह का पूछा हो मॉर्निंग का तो ब्रेकफास्ट, आफ्टरनून का पूछा हो तो लंच. ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर, ये हम पढ़ चुके हैं कि सारे लिविंग थिंग्स को क्या चाहिए, वाटर चाहिए, पानी चाहिए. वॉश योर हैंड्स, हमें हाथ धोने चाहिए बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद. नेक्स्ट है फूड मेक्स अस, फूड हमें क्या बनाता है, फूड से हम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बनते हैं. तो ऐसे आपको ये मैच करना है, बुक में ही करना है. नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स, ये वर्ड्स दिए हैं उनके हेल्प से ये ब्लैंक्स में फिल करना है. फूड गिव्स अस एनर्जी टू डैश एंड डैश. ठीक है, फूड गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड लीव. ठीक है, काम करने के लिए, वर्क के लिए एंड यहाँ पे प्ले आएगा, खेलने के लिए. ठीक है, खेलने के लिए भी हो सकता है और प्ले वर्क के लिए भी आ सकता है यहाँ पे. ठीक है, वी कैन नॉट डैश विदाउट वाटर, हम लोग वाटर के बिना नहीं रह सकते हैं. तो यहाँ पे वी कैन नॉट लीव विदाउट वाटर, तो लीव यहाँ पे आ गया तो प्ले यहाँ पे आएगा. नेक्स्ट है ईट स्लोली एंड डैश वेल, धीरे धीरे खाना चाहिए और चबा के खाना चाहिए, चीव वेल, चीव यानी कि चबाना. कम ये
ये भी बुक में ही सॉल्व करना है, यहाँ पे फिल करना है, ठीक है, टेक्स्ट बुक में ही। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है, ठीक है। वी ईट फूड बिकॉज इट गिव्स अस, हम लोग खाना इसलिए खाते हैं क्योंकि खाना हमें एनर्जी देता है, तो यहाँ पे एनर्जी आ जाएगा। नेक्स्ट है इट मेक्स अस डैश एंड डैश, अब खाना हमें क्या बनाता है, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, ठीक है। फिर है नेक्स्ट इट हेल्प अस टू, हमें ग्रोथ में हेल्प करता है, तो इट हेल्प अस टू ग्रो। तो यहाँ पे ऐसे आप पूरा ये सॉल्व करेंगे। ये खाने का फोटोग्राफ भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और इस चैप्टर भी हम लोग रीड कर चुके हैं, इसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। थैंक यू।